हाँ जी जैसे राम वाली आत्मा का पुरुषार्थ 76 से स्टार्ट हुआ, 18 तक संपन्न स्टेज हो गई, 18 तक संपन्न स्टेज हो जाएगी, वैसे हम बच्चों का पुरुषार्थ जिस हिसाब से 76 से पार्ट अपना बांध चलता है उसके बाद पुरुषार्थ होता है, तो हम बच्चों को भी जब से ज्ञान में आए तब से ही सात्विक स्टेज बनी। इंडिविजुअल सात्विक स्टेज तभी ही से बन जाती है जब से कोई ज्ञान में आता है। बेसिक में आता है तो बेसिकली स्टेज बनती है, एडवांस में आता है तो एडवांस की स्टेज बनती है। पहले सात्विक और अंत में कैसे बन जाते हैं औरों के संग के रंग में आते आते औरों की बातें सुनते सुनते तमो प्रधान बन जाते। नहीं तो बाप ने कहा एक से सुनना चाहिए, औरों की सुनाई गई बातों को कान पर नहीं धरना चाहिए। हाँ जी चांद दिखाते हैं। हाँ हाँ जी इसलिए दिखाते हैं कि चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा का पार्ट ब्राह्मणों की दुनिया में किसका है? दादा लेखराज ब्रह्मा का है, क्योंकि चांद स्वयं प्रकाशित है या कोई से रोशनी लेता है? किस से है? सूर्य से लेता है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा ने किस से ज्ञान की रोशनी ली? कब ली? आज मैंने कब हाँ जी हाँ जी जब साक्षात्कार हुए तो भटकते रहे गुरुओं के पास, भटके बाणारसी में, भटके कहीं भी उनको उन साक्षात्कारों का रहस्य का पता नहीं लगा। तो कलकत्ते में अपनी दुकान में पहुंचे, जिस मैनेजर को उन्होंने अपनी दुकान का सारा भार सौंपा हुआ था, जिसको समझते थे ये हीरों का मेरे से भी अच्छा पारखी है और बहुत होशियार है, वहां पहुंचे तो उन्हें अपने साक्षात्कारों का रहस्य का पता लग गया। तो कौन हुआ दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए ज्ञान सूर्य? वो ही राम बाप वाली आत्मा। परंतु ब्रह्मा बाबा बड़े जौहरी थे, बड़े साहूकार व्यापारी थे, और जो मैनेजर था उसकी तो कोई छोटी सी दुकान थी हीरों की, छोटा व्यापारी था। कुछ फायदा नहीं होते देख उसने ये नौकरी स्वीकार कर ली, क्या भागीदार की, कि सारा पैसा दादा लेखराज ब्रह्मा का और मेहनत मजदूरी भागीदार की। तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में छोटा आदमी समाया हुआ था या गुरु बैठा हुआ था? छोटा आदमी बैठा हुआ था। जैसी आज की दुनिया में
बड़े बड़े साहूकारों की गरीबों के प्रति दृष्टि होती है। ऐसी दृष्टि बनी हुई थी देवहन के कारण। तो ब्रह्मा बाबा ज्ञान सूर्य को पहचान सके? नहीं पहचान सके। तो ज्ञान चंद्रमा हुआ दादा लेखराज, और उस ज्ञान चंद्र बेणों के प्रति जो पृथ्वी माता की औलाद है, जो स्थूल चांद है, वो भी कहाँ से निकलता है? है जब सृष्टि का आधा विनाश होता है तो वो प्रशांत महासागर से जो हिस्सा छिटक जाता है वो चंद्रमा के रूप में विख्यात होता है। तो पृथ्वी माता हो गई, सूर्य बाप हो गया और चंद्रमा बच्चा हो गया। और जो बच्चा होता है उसको बाप सर माथे पर लगाते हैं। ये बच्चा ही मेरे वर्षे का हकदार बनेगा। तो जो राम वाली आत्मा है वो संगम युग में नर से नारायण बनती है, और उस नारायण का बच्चा सृष्टि के आदि में कौन बनता है? वही ज्ञान चंद्रमा। तो बच्चे को सर पर बिठाया हुआ है। और अच्छा, ये शिव बाबा करते हैं अकाल मौत। ये तो भक्त कहते हैं या बाबा कहते हैं? है जीवन और मरण ये भक्त लोगों ने कहा है, है? क्या कहा है? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात। ये तो तुलसीदास भगत थे जिन्होंने कहा, भगवान ने थोड़े ही कहा। अरे अपने पूर्व जन्मों का फल भोगना पड़ता है, तो पूर्व जन्मों का कर्म आत्मा करती है या भगवान करता है? भगवान अकर्ता है या करने वाला है? अकर्ता है। वो थोड़े ही हानि लाभ देता है किसी को, जीवन मरण देता है। अपने कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु मिलती है। हाँ, नहीं समझ में आया? हाँ जी, ब्रह्मा को ज्ञान चंद्रमा बताया है। हाँ जी, सृष्टि का पहला बच्चा भी बताया है। हैं? सृष्टि का पहला पत्ता भी। हाँ, तो जगदम्बा में प्रवेश होकर के महाकाली का पाठ बजाने का कारण जो भी देवियां हैं उनकी संख्या कितनी है? नौ देवियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वाली होंगी कि एक जैसा पुरुषार्थ वाली होंगी? रुद्रमाला में कितने मणके हैं? 108। 108 मणकों में अव्वल नंबर पुरुषार्थी मणका कौन है? जगत पिता। और लास्ट नंबर का मणका कौन है? हैं? जगदम्बा। शिव बाबा की दृष्टि में रुद्रमाला पहले पहले है अव्वल नंबर में, या विजयमाला के मणके पहले पहले अव्वल नंबर में है? क्यों?
क्या ज्ञान हुआ उनको? हाँ, बाबा कहते हैं बल तुम बच्चों में कोई गुण नहीं है, मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं, लेकिन बाप की दृष्टि में एक गुण है बहुत विशेष। क्या? कि तुम बच्चों ने ही बाप को पहचाना है। उन विजयमाला वाले मणकों ने बाप को नहीं पहचाना। विजयमाला का जो अव्वल नंबर मणका है कौन है? ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गया, लक्ष्मी वो बाप को पहचानती है? नहीं पहचानती। तो बाप कहते हैं मैंने तुम बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा के रूप में चुना, क्योंकि तुमने बाप को पहचाना है। ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। किसके मुकाबले विशेष प्रिय है? है विजयमाला के मुकाबले विशेष प्रिय है। तो क्या इनका प्रश्न पूरा होने दो, आपने क्या पूछा था? महाकाली का पाठ बजाने का कारण। हाँ, लास्ट मणका है या पहला मणका है? लास्ट मणका है। तो जो पहला मणका है वो विनाश का काम करेगा? मुरली में भी बोला है शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के होता है? और शंकर याद में रहता है कि कर्मेंद्रियों से करता है? याद में रहता है। लिंग जो है वो यादगार शिवलिंग कहा जाता है या शंकर लिंग कहा जाता है? वो भी शिव की यादगार है। शिव ने संग का रंग लगाया, कोई शंकर ने संग का रंग नहीं लगाया। तो समझ में आया किसके द्वारा विनाश कराते हैं? हैं? शंकर द्वारा है। शक्तियों को निमित्त बनाते हैं। शक्तियां हैं असुर संहार कारिणी, उनमें भी नौ प्रकार की शक्तियां हैं। तो लास्ट नंबर की शक्ति के द्वारा विनाश कराते हैं या अव्वल नंबर की शक्ति लक्ष्मी के द्वारा विनाश कराते हैं? क्यों? क्या कारण है? हैं? कोई कारण होगा। विनाश अपवित्रता से। हाँ, विनाश होता है अपवित्रता से और स्थापना होती है पवित्रता से। तो जगदम्बा जगत की अम्बा है, सब धर्मों की अम्बा है या सिर्फ भारतीयों की अम्बा है? भारत माता भारतीयों की अम्बा है और जगदम्बा सब धर्मों की अम्बा है। तो सब धर्म वाली जो माताएं हैं वो किसको फॉलो करेंगी? जगदम्बा को फॉलो करती है। अनेक शादियां जगदम्बा करती है कि लक्ष्मी करती है? है जगदम्बा करती है। तो पता चला क्या? माने अपवित्रता से विनाश होता है। हाँ, अपवित्रता में भी विचार से विनाश होता है। स्त्री जाति जब विचारणी बनती है तब विनाश होता है। और हाँ, क्योंकि छोटी बड़ी माला रूपी संगठन है,
तो वो छोटे बड़े जो संगठन हैं वो बनाने का निमित्त तो कौन बनते हैं? हैं? जो बनाने के निमित्त बनेंगे उन्हीं के गले में माला पड़ेगी ना, क्या औरों के गले में पड़ेगी? तो आठ का संगठन है, चाहे हजार ब्रह्मा की भुजाओं का संगठन है, चाहे 16,000 राज परिवार के मणकों का संगठन है, और चाहे और बड़े बड़े छोटे बड़े संगठन हैं, वो सब छोटी बड़ी मान है बनाने का मूल निमित्त जो आत्माएं बनी हैं उनको वो मालाएं पड़ती हैं। और हाँ 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 इधर हाँ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष हाँ जी पृथ्वी बीच में आती है, चंद्रमा एक तरफ आता है और दूसरी तरफ सूर्य आता है, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, तो वहां अंधेरा दिखाई पड़ता है। जब वहां अंधेरा होता है तो कभी कभी ऐसा होता है सारा चंद्रमा के ऊपर अंधेरा हो जाता है, परछाया पड़ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि सारे चंद्रमा के ऊपर रोशनी पड़ती है। जब सारे ही चंद्रमा पर रोशनी पड़ती है तो पूर्णमासी होती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में संपूर्ण चंद्रमा कब होगा? वो ब्रह्मा की ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा की रात्रि और जो दिन गाया हुआ है वो अभी रात्रि है या दिन है? अभी रात्रि है। फिर दिन कब होगा? है 2000 हाँ 18 में 40 वर्ष पूरे होंगे। जब 40 वर्ष पूरे होंगे तो चंद्रमा का बहुत कुछ हिस्सा उजाले में होगा। यह थोड़ा हिस्सा है उजाले में होगा है? बहुत होगा है? बहुत होगा या थोड़ा होगा? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा वाली आत्मा की जो आत्मा है वो संपूर्ण रोशनी वाली जब बनेगी तो यथा राजा तथा प्रजा। जो चंद्रवंश की जितनी भी आत्माएं हैं वो सब उजाले में आ जाएंगी या अंधेरे में रहेंगी? तो सब कब उजाले में आएंगे? हैं? 28 में आएंगे। तो ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण हुआ माना सारा चंद्रवंश संपूर्ण हुआ, और सूर्यवंश में आकर के संस्कारों से मिलकर के एक हो जाएंगे। तो संपूर्ण राजधानी स्थापन हो जाएगी या नहीं होगी? है हाँ जी 18 में राजधानी की स्थापना की शुरुआत होगी या संपूर्ण राजधानी हो जाएगी? शुरुआत होगी। हाँ एक मिनट है, लौकिक नदियों में नदियाँ सब सूखा जा रहा है, पानी सूखा जा रहा है नदियों में। हाँ सूख रहा है। हाँ तो वो नदियाँ हैं, चाहे वो ज्ञान नदी यमुना हो, काली नदी, चाहे वो गंगा हो,
चाहे वो सरस्वती जगदम्बा हो, वो ज्ञान सागर से दूर हो गई या नजदीक है, तो पानी कम होगा या ज्यादा होगा तो सूख रही है। बोला है नदी सागर से जुड़ी हुई है तो नदी पतित पावनी बनती है, ज्ञान नदी बनती है, और ज्ञान सागर से जुदा हो जाती है तो नदी क्या बन जाती है, नाला बन जाती है। बाबा शंकर के गले में तरबूज दिखाते और तरबूज दिखाते दिखाते शंकर के गले में शंकर के गले में सर्प सर्प दिखाते हैं तरबूज दूरा और मस्तक में जूड़ा दिखाते हैं। हाँ तो ये क्या है, जो सर्प होते हैं वो विकारों के सूचक होते हैं। क्या सर्प कहाँ घुस के बैठते हैं, धरणी में घुस के बैठते हैं। उनको धरणी के अंदर ही अच्छा लगता है। पांच प्रकार के सर्प हैं, काम विकार का सर्प शंकर के कहाँ दिखाया है, काम विकार का अंग कहाँ होता है, कमर में दिखाया है। क्रोध विकार का सर्प बाजू में दिखाते हैं, लोभ का भी बाजू में दिखाते हैं, और मोह का सर्प गले में दिखाते हैं, और अहंकार का वो जूड़ा है। जो अहंकार है वो ज्ञान जटाओं को बांध लेता है। क्या अहंकारी के अंदर ज्ञान है या अज्ञान है, अज्ञान है। वो समझता है कि ज्ञान मैं देने वाला हूं, वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो ब्राह्मण समझते हैं कि मैं ज्ञान देने वाला हूं अमुक व्यक्ति को, वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, तो कौन देने वाला है, है? ज्ञान तो ही मनुष्य का दिया हुआ थोड़े ही है, ज्ञान कहाँ से आता है, ज्ञान तो एक भगवान से आता है। एक भगवान के दिए हुए ज्ञान को अपना मान लेना ये तो अहंकार हो गया। तो वो अहंकार का सर्प है जो सर के ऊपर दिखाया गया है। हाँ जी, लख माने देखना न्यू माने नया है, लख माने देखना न्यू माने नया, लखनऊ का बताया ना बाबा, लख माने देखना न्यू माने नया, न्यू माने नया। हाँ तो नया क्या देखना और पुराना लख क्या नहीं देखना। ओहो, अभी जो दुनिया चल रही है उस दुनिया में नए थे नया पार्ट बजाने वाला कौन है, है? न्यू मैन ऑफ दी वर्ल्ड कौन है, नारायण। तो उसको देखने वाला क्या हुआ, लख माने देखो, किसको देखो, न्यू मैन को देखो, तो कहेंगे लखनऊ। और हाँ बाबा, घर वालों से ना कुछ पूछना है ना उनकी मत पर चलना है। हाँ बाबा, फ्यूचर के जो हमारे प्लान्स हैं, फ्यूचर के जो हमारे प्लान है, हमें राजधानी स्थापन होनी है, हमें ये सेवा करनी है, हाँ लोगों को घर में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बताओ, ज्ञान सारा सुनाओ,
भू भू करते रहो ज्ञान की है। बाकी जिंदगी में हमें क्या करना है, कैसे करना है, किसकी मत पर करना है, ये उनसे नहीं पूछना है। घर वालों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। पापा बता दें कि जाना है परमधाम है। साकार परमधाम जाना है तो ऐसा बता सकते हैं? बताओ। लेकिन वो मानेंगे ना? माने एक बार बताना तुम्हारा। बताओ वो मानेंगे तो नहीं। लेकिन बाबा ने आपको बताया है कि आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो वो माने या न माने, हम तो समझेंगे ये बाप के बच्चे हैं कि नहीं, बाप के बच्चे हैं, जो हमारे परिवार के भांति हैं वो बाप के बच्चे हैं। वो ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार बाप के बच्चे नहीं हैं डायरेक्ट। ये क्या हुआ? वो ब्रह्मा कुमार कुमारी या पहले ब्राह्मण बने या आपके घर के भांति पहले ब्राह्मण बनेंगे? हैं? हमारे घर के भांति पहले बनेंगे। है? वो भले पहले ब्राह्मण बने, लेकिन पहले राक्षसों का जन्म होता है या देवताओं का जन्म होता है? राक्षस बड़े हुए या देवताएं बड़े हुए? राक्षस बड़े हैं दुनियावी हिसाब से, लेकिन वो राक्षस राक्षस क्यों हैं? है वो राक्षस इसलिए कि उन्हें जब आप बाप का परिचय देते हैं तो मानने के लिए तैयार नहीं। वो तो आपके घर वाले भी मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अंतर क्या है? वो भले मानने के लिए तैयार नहीं है आपके परिवार वाले, लेकिन आपको नजदीक देखना चाहते हैं या दूर भगाना चाहते हैं? और वो तथाकथित ब्राह्मण वो लात मार के निकाल देते हैं, धक्के मार के भगा देते हैं। तो भगवान से प्राप्ति के हकदार कौन हुए? हैं? आपके परिवार वाले है। ताड़ माने पिटाई और नृत्य माने डांस, ज्ञान का ऐसा ज्ञान का डांस जिसमें आत्माओं की पिटाई होती है, धुनाई होती है ज्ञान के डंडों से। आगे चल के किसी की छुपी हुई नहीं रहेगी, सबकी पोल पट्टी खुल जावेगी। तो ज्ञान के आधार पर पोल पट्टी खुलेगी या अपने आप खुलेगी? ज्ञान दंडों के आधार पर पट्टी भी खुलेगी। हाँ जिन लोगों ने पहले है, जिन लोगों ने पहले से आपको अपना खोता मोल बता के रखा हुआ है, उनकी भी पोल पट्टी खुल जाएगी। जिन लोगों ने पोता मेल बता के रखा हुआ है उन लोगों के भी बारे में बाबा ने बोला है, अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, बाकी तो कुछ न कुछ छिपाते जरूर हैं। लेकिन बाबा हम तो ऐसा समझते हैं कि हमने सब बता दिया। समझते हैं लेकिन पूरा नहीं बताते हैं। जो बहुत अच्छी चीज होती है वो जेब में छुपा के रखी जाती है। इसलिए पोता मिल तो बताया और कुछ खास बात छुपा ली,
तो उसका दंड का भागी कौन बनेगा? वो बताने के बावजूद भी हिसाब किताब बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ता जाएगा। ये तो बोला है कि पोता मिल देने से आधा माफ हो जाता है, परंतु सही पोता मिल दिया ही नहीं तो पूरा आधा माफ होगा नहीं होगा? हाँ, जैसे पोता मिल के बाद और सच्चे ब्राह्मण भी क्या है? ब्राह्मण और सच्चे ब्राह्मण भी क्या? ब्राह्मण और सच्चे ब्राह्मण में क्या अंतर? बीके सच्चे ब्राह्मण है या सिर्फ ब्राह्मण है? क्या है? माता को बोलने दो। ब्राह्मण है, सच्चे ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण सच्चे बाप को पहचानने वाले हैं। जो ब्राह्मण है वो माँ को तो पहचानते हैं, ब्रह्मा की तो औलाद हैं, इसलिए ब्राह्मण है, बाकी बाप को नहीं जानते। जो बच्चा बाप को नहीं जानता है, बार बार पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, वो अपनी अम्मा का ही नाम बता देता है, तो लोग क्या समझेंगे? ये बाप का सच्चा बच्चा है या झूठा बच्चा है? है झूठा बच्चा है। हाँ, स्वभाव संस्कार कैसा? किसका? सच्चे बच्चे का स्वभाव संस्कार कैसा भी हो, लेकिन बाप गारंटी देते हैं जो मेरे को पहचानते हैं उनके स्वभाव संस्कार नई दुनिया में कैसे हो जाएंगे? हैं? अच्छे हो जाएंगे। बाबा, हाँ, मैं जैसे जुड़वा बच्ची होते हैं, तो लक्ष्मी नारायण बनती हैं, लक्ष्मी नारायण बनती जुड़वा बच्ची का योग में जुड़वा बच्ची होते हैं, तो वे हाल लक्ष्मी नारायण बनती। जो भी जुड़वा बच्चे पैदा होंगे वो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, ऐसे हो सकता है क्या? दुनिया में जुड़वा बच्चे ढेर सारे पैदा होते रहते हैं। है? हाँ, सतयुग में जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं, परंतु कोई प्रजा बनेंगे, कोई राजा बनेंगे, कोई रानी बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे, नहीं बनेंगे? हाँ जी, बाप की निंदा है? बाप की निंदा क्यों करते हैं? अगर माफी मांग ले तो क्या माफ हो जाते हैं? आज मुनि ने जैसा बताया, जब जानकारी नहीं है तो निंदा कराने के पात्र बनते हैं, पहचान है तो निंदा कराने के पात्र नहीं बन सकते। हाँ, जो आता है, हाँ, अरे बोलो भी, जो बच्चे है, अरे एक आदमी बोलो ना जिसने हाथ उठाया। हाँ, जो बच्चे लैबिंग नौकरी करते हैं, अरे शिवलिंग के नीचे जो अर्घा बना जाता है मंदिरों में, है क्या? शिव बाबा का लिंग ही पूजा जाता है, इसलिए लिंग की यादगार शिवलिंग है, और वो शिवलिंग जो अर्घा बनाया गया है जिसका नाम जलाधारी भी है, जल का आधार लेने वाली, कौन से जल का आधार? ज्ञान जल का आधार लेने वाली, ज्ञान जल को धारण करने वाली,
वो ज्ञान जल को धारण करने वाली कन्याएं माताएं होती हैं या पुरुष होते हैं? कन्याएं माताएं होती हैं। तो उस जलाधारी में वो संग करना हुआ, वो लिंग का संग करना दिखाया गया है, संग के रंग से पावन बनना दिखाया गया है, संग के रंग से ही बिगड़ते हैं। द्वापर युग से कब बिगड़े हैं? संग का रंग लगा, कौन से अंग का संग लगा, संग का रंग लगा है? काम, कामांग का ही संग का रंग लगा, स्त्रियों को भी पुरुषों को भी। तो जैसे संग का रंग लगा है वैसे ही फिर संग का रंग से पावन बनते हैं। और एक के संग के रंग से पावन बनते हैं, अनेकों के संग के रंग से पतित बनते हैं। तो एक है जो जलाधारी में अर्घ्य में रखा हुआ है, वो कौन है? है अरे वो कौन है जो पत्थर का लिंग बना के रखा गया है? अरे शिवलिंग कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है? शिवलिंग कहा जाता है। तो शिव निराकार है या हाथ पांव नाक कान लिंग आदि वाला है? निराकार है तो लिंग क्यों दिखाया? जरूर कोई साकार में प्रवेश करता है, उस साकार की यादगार लिंग दिखाया है, वो बड़ा रूप है शिव का। और असली रूप बिंदु है, बिंदु सूक्ष्म रूप है और बड़ा रूप साकार है। तो साकार को लिंग है, लेकिन साकार का लिंग नहीं पतित पावन बनाता है संग के रंग से। कौन सी आत्मा पतित पावन बनाती है? उस लिंगाकार में शिव की आत्मा प्रवेश करके पतित से पावन बनाती है। हाँ, शिव पत्थर है, हीरा पत्थर है या नहीं है? ये जो भी नवरत्न हैं ये सब पत्थर बनते हैं या नहीं? पत्थर हैं तो ये सब पत्थर बुद्धि बनते हैं। हीरा भी क्या बनता है? पत्थर बुद्धि बनता है। शिव कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बनता है। हाँ, यूरोपवासी कौन है? यूरोप वासी, तुम रूप वासी हो, तुमको रूप बहुत याद आता है, नाम नहीं याद रहता है। तो शिव बाबा कहाँ का वासी है? शिव बाबा विदेशी बनकर के आया है या स्वदेशी बनकर आया है? विदेशी बनकर आया है, इसलिए यूरोप वासी दिखाते हैं कृष्ण को। कृष्ण को भगवान कहते हैं ना, तो भगवान कृष्ण कहाँ के वासी थे? यादव, यादव कुल के थे। यादव कौन है? जिनके पेट से मिसाइल रूपी मूसल निकलते हैं, तो वो विदेशी हैं। जिनके बुद्ध रूपी पेट से मूसल निकले हैं, वहाँ इस समय यादवों का जो मुखिया है वो चमक रहा है। तो बुद्धि ज्यादा तीखी उन विदेशियों की है या भारतवासियों की है? क्यों? क्योंकि भारत में अंधेरा है और विदेशों में सोझ रहा है, इसलिए उनकी बुद्धि ज्यादा काम करती है। हाँ बाबा, युगल मंदिर जाते हैं तो उनके साथ वो जाना पड़ता है, लेकिन हम शिव बाबा का नाम लेकर के चले जाते हैं। नाम लेके चले जाते? नाम तो भक्ति मार्ग में लिया जाता है। मतलब
मतलब क्या? हाँ, आप शिव बाबा को याद करते करते मंदिर में जा कर के पूजा अर्चना भले करें, पति को, सास को, ससुर को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन अंदर में क्या याद रहे? अंदर में शिव बाबा याद रहे, अच्छी बात है। बाबा, हाँ बाबा, वो शंकर दिखाते हैं, उसका क्या है? हाँ, ये जो शूल हैं वो बाण की निशानी है। ये तीन बाण हैं। कौन कौन से? एक बाण है ब्रह्मा का बाण। ब्रह्मा ने जो ज्ञान बाण दिए हैं वो ब्रह्मा का बाण। शंकर ने जो ज्ञान बाण दिए हैं शंकर के द्वारा, वो ज्ञान के बाण। ब्रह्मा के बाणों में और शंकर के बाणों में अंतर है या नहीं है? अंतर है। और तीसरा बाण है जो सबसे लंबा और बड़ा है, कौन सा है? बीचवा। किसका? विष्णु का। क्यों बड़ा है? क्योंकि ब्रह्मा जो ज्ञान बाण देते हैं उनसे नई दुनिया नहीं बनती, और शंकर भी जो ज्ञान बाण देते हैं उनसे भी नई दुनिया नहीं बनती। जब वैष्णो देवी आती है और वैष्णो देवी के मुख से ज्ञान सुनाया जाता है तो नई दुनिया स्थापन हो जाती है। इसलिए बाबा ने बताया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नर है। जब अंत होगा तो राजधानी स्थापन हो जाती है। तो बड़े से बड़ा बाण कौन सा हुआ? जो प्रैक्टिकल असर करता है। प्रैक्टिकल ज्ञान कौन देता है? है ब्रह्मा देता है, शंकर देता है या विष्णु देता है? विष्णु के द्वारा कौन देता है? शिव बाबा देता है। इसलिए बड़े से बड़ा बाण है ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कराने वाला। इसलिए ये शंकर के हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। हाँ। में बोला है कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो बाबा, जो आप मैं अभी ज्ञान दे रहे तो वो कैसे अनुमान लगाएंगे कि हमें 40 वर्ष हो रहे हैं या 50 वर्ष? मतलब 18 में तो प्रत्यक्षता हो जाएगी, तो वो जो आत्माएं हैं ज्ञान तो वो नंबर बार भगवान को पहचानेंगी, कैसे अनुमान लगाएंगे? तो समझ लेना चाहिए वो बच्चे कौन है जिनको 40 वर्ष लगते हैं, बताओ कौन से सन में उनका जन्म होता है? है आदि से हुआ, 76 से हुआ। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो कौन सा सन आया? 76 आता है जब लक्ष्मी नारायण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। बहुत पहचानते हैं, कोई पहचान करके भूल जाते हैं। पहचानते हैं कि नहीं? पहचानते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं जो सन 76 से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाली हैं, ले चुकी हैं। तो किन के लिए बोला? 40 वर्ष किसके लिए बोला? लक्ष्मी नारायण के लिए बोला। बाद में जो आते हैं उनके लिए भी ये बात लागू होती है, वो भी पतित से पावन बन सकते हैं या नहीं? 40 वर्षों में बन सकते हैं। तो दो ही आवेंगे या ज्यादा संख्या होगी? कितनी? 8 आत्माएं भी हैं जो अष्टदेव कहे जाते हैं, वो सन 76 से लेकर के 2018 तक भी कभी भी निकल सकते हैं। तो आपका नंबर लग सकता है कि नहीं है? लगेगा क्यों नहीं लगेगा?
हाँ जी है सुखधाम बोलते हैं सतयुग और त्रेता को सुखधाम बोलते हैं। हाँ जी तो शांति धाम मनुष्य जब जीवित रहता है तो तीन अवस्थाओं से गुजरता है। एक अवस्था होती है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में सुख ही भोगता है या दुख भी भोगता है? है, है? दोनों भोगता है, लेकिन ज्यादा क्या भोगता है? दुख भोगता है। तो ये द्वापर कलयुग हो गया दुख धाम, जहां दुख ज्यादा है और सुख कम है, और स्वप्नावस्था एक दूसरी अवस्था है। आज हम जब स्वर्ग की बात करते हैं कि भारत स्वर्ग था, तो वो स्वर्ग की बात हमें सपना मालूम पड़ती है या सच मालूम पड़ती है? सपना मालूम पड़ता है। तो सतयुग त्रेता क्या हो गया? सपना हो गया। अच्छा स्वप्न आता है तो कितना खुशी होती है। एक तीसरी अवस्था भी है सुसुप्त अवस्था। जो सुसुप्त अवस्था है जहां सपना भी नहीं आता है, जागृत स्टेज भी नहीं होती है, एकदम निल में आत्मा पहुंच जाती है। तो सुसुप्त अवस्था में ज्यादा थकान दूर होती है या जागृत अवस्था में ज्यादा थकान दूर होती है या स्वप्नावस्था में ज्यादा थकान दूर होती है? सुसुप्त अवस्था में थकान ज्यादा दूर होती है। ऐसे ही ये आत्मा बेहद में तीन अवस्थाओं से पसार होती है। जागृत है अभी, जब दुनिया का ज्ञान है, दुख की दुनिया का भी ज्ञान है, सुख की दुनिया का भी ज्ञान है। स्वप्न अवस्था वो है जो हमें स्वप्नवत मालूम पड़ती है। कोई कहते हैं सच्चा होता है स्वप्न, कोई कहते हैं झूठा होता है स्वप्न, कोई कहते हैं स्वर्ग सच्चा है, सच्चम सच्चा होता है, कोई कहते हैं है स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं होता है, इसी दुनिया में स्वर्ग इसी दुनिया में नरक। और तीसरी अवस्था है जहां आत्माएं 84 जन्म की सारी थकान दूर करती है। क्या वहां कोई काम धाम नहीं? सुसुप्त अवस्था है, न सुख है न दुख है, वो परम धाम की स्टेज है। बाबा आज मुरली में समझाया बाबा ने है? हाँ, पूरा होता है तो आपस में मिलेंगे ना। रामा की सुई में देखो 15 मिनट है, ऐसे ही खत का नाटक पूरा होता है। ये जो इस समय 15 मिनट जो है इसको कैसे हम समझें? घड़ी में दो कांटे दिखाए गए ना है, तो जो दो कांटे दिखाए गए हैं उनमें अंतर है या नहीं है? है, तो वो अंतर की बात बताई कि वो अंतर बहुत थोड़ा रह गया है, ज्यादा अंतर नहीं है। क्या जो बड़ी सुई है और जो मध्यम सुई है और जो घड़ी घड़ी दौड़ने वाली सुई है सेकंड सेकंड, वो तीनों सुई एक के ऊपर एक आने वाली है। मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? तीनों सुइयां एक साथ मिलेंगी और क्या हो जाएगा? नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। इसलिए 15 मिनट बताया बाबा। हाँ क्या है क्या मतलब?
चरिया खरिया माने पागल। हाँ यज्ञ सेवा जो बच्चे स्थूल रूप में नहीं कर पाते हैं, यज्ञ सेवा है जो बच्चे स्थूल रूप में नहीं कर पाते हैं, चाहे सर्विस के अपने नौकरी के उसमें या फिजिकल बॉडी असमर्थ होने के कारण, तो उनके लिए कौन सी सेवा ऐसी है जो यज्ञ सेवा में वो मानी जा सकती है? स्थूल में ज्यादा ताकत होती है या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है? एक होती है मनसा सेवा, मनसा सूक्ष्म है या स्थूल है? सूक्ष्म है, उससे जास्ती स्थूल सेवा है, शुभ भावना शुभ कामना की सेवा, वाइब्रेशन की सेवा, उससे भी जास्ती सूक्ष्म है वो स्थूल है दृष्टि की सेवा। जिसको भी देखें आत्मिक दृष्टि में देखें तो कौन सी सेवा हुई है? दृष्टि की सेवा। उससे भी जास्ती स्थूल है वाचा की सेवा, और वाचा से भी ज्यादा स्थूल है कर्म इंद्रियों की सेवा। तो क्या करना चाहिए है? जो लोग कहते हैं कि हम तो नौकरी धंधे में फंसे हुए हैं, बाल बच्चों की पालना करनी है, नहीं तो बाल बच्चे आर्फन बन जावेंगे, तो कौन सी सेवा करें है? हाँ सूक्ष्म सेवा करें। बार बार संकल्प आता था, हाँ बार बार संकल्प आता था कि ऐसे जो बच्चे इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो उनकी सेवा नहीं मानी जाएगी, इसलिए इस बार अरे बंदे उठा था इसलिए पूछा। सोचने की बात है, जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने या जो भी तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो कर्मेंद्रियों से इतनी भाग दौड़ की सेवा कर रहे हैं, क्या सारे संसार को भगवान का परिचय मिल गया है? सारे संसार ने भगवान को पहचान लिया? नहीं पहचाना। तो ये सेवा कब होगी? वाचा के द्वारा होगी? वाचा के द्वारा भी नहीं होगी। दृष्टि दे करके 500-700 करोड़ की सेवा हो सकती है? नहीं हो सकती है। कैसे होगी? हाँ हाँ जी, लक्ष्मी वाली आत्मा त्रेता में क्या राम को पालना करेगी है? राम को त्रेता में लक्ष्मी वाली आत्मा का होगा। राम का भक्ति मार्ग में बड़े से बड़ा गुण क्या गाया हुआ है? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ अभी सीता वाली आत्मा बजा रही है या राम वाली आत्मा बजा रही है? है तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ बजाएगी वो ही भक्ति मार्ग में मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता का राम गाई जाएगी। जो राम वाली आत्मा है वो तो शंकर के रूप में पाठ बजाई रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम है नहीं? वो तो सबसे जास्ती मर्यादाहीन है, एक में मर्यादा बांध करके रहती है या अनेकों में मर्यादा है? एक में है। अरे तन के साथ मर्यादा एक में बंधी हुई है या अनेकों के साथ? अरे शंकर विष पीता था कि शिव? शंकर विष पीता था, विष काय को कहा जाता है, है? नहीं विविचार को विष कहा जाता है, पराई स्त्री और परपुरुष को विष कहा जाता है,
तो ये भगवान का गायन है कि भगवान जिस तन में प्रवेश करता है उस तन के द्वारा 16108 के साथ संबंध संपर्क संसर्ग जुड़ता है। इसलिए शास्त्रों में ये गायन है कि 16108 देवताओं ने गोप गोपी का रूप धारण किया और गोप गोपी बनकर के भगवान के साथ वो पार्ट बजाया जिसे लीलाधर कहते हैं, लीला की। हाँ जी हाँ, अरे एक आदमी बोलने दो बाबा। हाँ जी, सारस्वत कौन है? सारस्वत और हाँ और पुष्करणी ब्राह्मण। हाँ जी, जो सरस्वती है वो ज्ञान की देवी है। सरस्वती को फॉलो करने वाले, ज्ञान की देवी को फॉलो करने वाले सारस्वत ब्राह्मण है और पुष माने धक्का, करणी माने करण करके, जिनको धक्का दे करके चलाया जाता है वो है पुष्करणी ब्राह्मण। इस समय जो ज्ञान को समझ करके चल रहे हैं वो हैं सारस्वत ब्राह्मण, सरस्वती पुत्र। और जो धक्का से चल रहे हैं कि भाई अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो शंकर पार्टी आगे बढ़ जाएगी, जो एडवांस के बच्चे हैं उनका नाम बाला हो जाएगा और हमको कोई पूछेगा नहीं, इसलिए वो सेवा करते हैं। तो उनको धक्का कौन दे रहा है सेवा करने के लिए? है सारस्वत ब्राह्मणों का धक्का लग रहा है, उनके धक्के से वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, और है 22 तारीख को होली चली थी, बाबा ने वाणी चलाई थी क्लैरिफिकेशन वाली, तो उसमें छाछड़ की वाणी थी, 7-10 छाछड़ की। उसमें बोला था आज से 1-2 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब शिव बाबा सृष्टि पर आया था, जिसने भी देखा इन आंखों से, जिसने भी सुना कहा मेरा बाबा आ गया। तो ये शिव जयंती के लिए बोला गया, तो छाछड़ में बाबा किस लिए बोला गया, छाछड़ में बोला था वो किस तरह इशारा था? आज से 1-2 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए शिव बाबा आया, इस सृष्टि पर आया, 22 फरवरी को पालम में चली थी। ऐसे तो नहीं, कुछ अंतर है बोलने में, दोबारा देखना। और बाबा कोई बूढ़ी माता है वो बाबा के बहुत ध्यान करती, सुखने लो में है बाबा की तरफ दौड़ती है, और घर वाले जैसे ताना मारते हैं तो बैठी है कि नहीं मैं ताना ना मारा हम अपने बाबा के पास चली जाएंगे, और जब बाबा सामने आ जाए तो वो माता पहचान नहीं पाती बाबा ये क्या कारण है। बाबा को निराकार समझती है, निराकार बिंदी को बाबा समझ रही है, साकार में बाबा को नहीं पहचाना। निराकार बिंदी वो भगवान का पाठ बजाती है या साकार रूप में भगवान का पाठ बजाती है? जैसे ब्रह्मा कुमारी हैं, बूढ़ी बूढ़ी है कि नहीं है? है, अरे बूढ़ी बूढ़ी ब्रह्मा कुमारियां हैं या नहीं है? वो भगवान बाप को पहचानती है साकार में, तो सामने आ जाए तो पहचानेगी नहीं पहचानेगी?